वेलकम टू खालसा लिटिल फ्लावर स्कूल लर्न फ्रॉम होम प्रोग्राम। होप यू ऑल एंजॉय योर दिवाली वेकेशन, बट नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रिज्यूम अवर स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर न्यू चैप्टर ऑफ ग्रामर, दैट इज कंजक्शन। हमने कंजक्शन सेकेंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, राइट? सो कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज अ वर्ड्स दैट जॉइन टू और मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शन। जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को या मोर देन टू वर्ड्स और सेंटेंस को क्या करता है, ज्वाइन करता है, उस वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। टुडे वी विल लर्न थ्री वर्ड्स ऑफ कंजक्शन, दैट इज एंड, बट एंड और। अब एंड हम कब यूज़ करते हैं? एंड इज यूज टू ज्वाइन द सिमिलर आइडियाज और थिंग्स और टू एड द सिमिलर इन्फॉर्मेशन। जैसे रेया ने बोला कि रेया क्या है, रेया इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल। रेया इंटेलिजेंट गर्ल है और रेया कैसी है? हार्ड वर्किंग भी है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे एक सेंटेंस क्या हुआ, रेया इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल एंड सेकेंड स्टैंडर्ड रेया इज़ अ हार्ड वर्किंग। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेया इज़ अ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। तो ये उसके सिमिलर इन्फॉर्मेशन थी, राइट? नाउ सेकेंड कंजक्शन इज बट। अब बट का भी यूज़ होता है टू एक्सप्रेस अ कॉन्ट्रास्ट। जैसे सुनील है, तो सुनील है वो टॉल है, बट जो राहुल है वो क्या है? शॉर्ट है। तो सुनील इज टॉल बट राहुल इज शॉर्ट। अब ये क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंसेस आया। जब डिफरेंसेस होता है तब हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? बट। नाउ और इज टू एक्सप्रेस अल्टरनेटिव, जहाँ पे आपको चॉइस मिलती है। अब जैसे आपका बर्थडे हो तो आपको मम्मा बोलती है कि आपको कार चाहिए या फिर एरोप्लेन चाहिए टॉय में, तो मम्मा आपको ऑप्शन देती कि डू यू वॉन्ट कार और एरोप्लेन। तो आपके पास क्या आई है? चॉइस आई है। तो और इज यूज टू सेंटेंस वेयर देयर इज अ चॉइस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एक ही सेंटेंस को देखो, तीनों कंजक्शन से ऐड किया है कि ही इज रेगुलर एंड सिंसियर। वो रेगुलर भी है और क्या है? सिंसियर भी है। अब मैंने उसको चेंज कर दिया, ही इज रेगुलर, वो रेगुलर तो है बट इनसिंसियर, यानी वो सिंसियर नहीं है। अब मैं किसी को पूछ रही हूँ कि इज ही रेगुलर और इरेगुलर, वो रेगुलर है या इरेगुलर है? तो यहाँ पे क्या आ गया? अल्टरनेटिव आ गया, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइज नंबर 1 ऑन पेज नंबर 52 इन आवर ग्रामर टेक्स्ट बुक। सो नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 52, एक्सरसाइज 1। ज्वाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग एंड, बट और, राइट? अब हमें देखना है कि सिमिलर इन्फॉर्मेशन है या डिफरेंसेस है या वहाँ पे चॉइस है, राइट? अकॉर्डिंग टू दैट वी यूज द कंजक्शन। अनिल्स फादर केम होम, ही टुक अस टू द सिनेमा। अनिल के पापा घर पे आए और हमको सिनेमा ले गए। यहाँ पे सिमिलर इन्फॉर्मेशन है, तो हम क्या करेंगे, कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे? एंड यूज़ करेंगे, राइट? तो हम क्या लिखेंगे, अनिल्स फादर came home and, अब हम ही वापिस से नहीं लिखेंगे and, क्योंकि ही किसके लिए हुआ है? अनिल के फादर के लिए। and took us to the cinema, right? now next, it rained heavily, we enjoyed the trip। बहुत बारिश हुई थी लेकिन फिर भी हमने क्या किया, ट्रिप को इन्जॉय किया। तो यहाँ पे क्या है डिफरेंस, बहुत बारिश होती तो भी हमने इन्जॉय किया, मतलब डिफरेंस इज देयर। तो जब डिफरेंस होता है तो हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करते हैं? बट यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इट रेनेड हैविली बट वी इन्जॉयड द ट्रिप, राइट? नेक्स्ट, बबीता वेंट टू द मार्केट, शी डिड नॉट बाय एनीथिंग। अब बबीता मार्केट तो गई थी लेकिन उसने कुछ भी नहीं खरीदा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे? बट। तो बबीता वेंट टू द मार्केट but she did not buy
anything, right? Now four number. Manoj plays volleyball in the morning. He also plays basketball in the evening. मतलब यहाँ पे भी सिमिलर इन्फॉर्मेशन है कि मनोज वॉलीबॉल मॉर्निंग में खेलता है और बास्केटबॉल इवनिंग में खेलता है. तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड से ज्वाइंट करेंगे क्योंकि सिमिलर इन्फॉर्मेशन है. तो मनोज प्लेज वॉलीबॉल इन द मॉर्निंग एंड बास्केटबॉल in the evening. Next, I love strawberry. I am allergic to guava. अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट आ गया. तो हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ट्रास्ट होता है तब डिफरेंस होता है, तो बट. तो हम लिखेंगे I love strawberry but I am allergic to guava. Next, Pooja can teach maths well. Pooja maths अच्छे से पढ़ा सकती है. She cannot teach Hindi, लेकिन वो हिंदी नहीं पढ़ा सकती. तो हम क्या करेंगे, इधर अगेन contrast is there. तो but. तो Pooja can teach maths well. But she cannot teach Hindi. Next, you will not score well. क्या है, work hard, मेहनत करो. You will not score well. क्या है यहाँ पे, आपको alternative दिया कि मेहनत करो, नहीं तो क्या होगा, तुम अच्छे से score नहीं कर पाओगे. तो जब अल्टरनेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, आपके पास चॉइस, या तो मेहनत करो या फिर स्कोर नहीं कर पाओगे. तो जब ऐसा होता है तो हम क्या, कौन सा कंजक्शन यूज़ करते हैं, और. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क हार्ड और यू विल नॉट स्कोर वेल. नेक्स्ट, अर्जुन इज़ माई फ्रेंड, अर्जुन इज़ माई नेबर. अर्जुन मेरा फ्रेंड है, अर्जुन मेरा नेबर है, सिमिलर इन्फॉर्मेशन है एक के बारे में ही. तो हम क्या करेंगे, अर्जुन एंड यूज करेंगे. अर्जुन इज माय फ्रेंड एंड नेबर. नेक्स्ट, यू कैन वॉच टेलीविजन विथ मी. आप मेरे साथ टेलीविजन देख सकती हो. यू कैन गो डाउन एंड प्ले विथ निहल. अब यहाँ पे क्या हुआ है, चॉइस दी है कि या तो मेरे साथ टीवी देखो या फिर नीचे जाके निहल के साथ खेलो. तो जब चॉइस होता है तो हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करते हैं, और. तो यू कैन वॉच टेलीविज़न विथ मी और यू कैन go down and play with Nihal. He works hard every day. He is happy. वो रोज वर्क मेहनत करता है और वो खुश हैं. सिमिलर इन्फॉर्मेशन तो हम किससे ज्वाइन करेंगे, एंड से. तो he works hard hard every day and he is happy. So today we have learned the conjunction and, but and or, an exercise of these three conjunction, right? So you have to complete the exercise 1 in your grammar textbook. Thank you. Stay home, stay safe.